और दूसरी स्थापना दिवस के अवसर पर 2019 में 24 जनवरी 2019 को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को लागू किया था। एक जनपद एक योजना में प्रदेश की परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने हरेक जनपद की एक प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया था। उस प्रोडक्ट को हम लोगों ने नई डिजाइन के साथ तकनीक के साथ जोड़ते हुए उसके लिए बाजार उपलब्ध करवाने, बाजार से उसे जोड़ने और वह वैश्विक मंच पर भी एक स्थान प्राप्त कर सके उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए भी तमाम प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का कार्य किया था। आज उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के तो बैकबोन बनी ही है, बल्कि मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आज पूरे देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत की बैकबोन भी बनी है। उसकी रीढ़ की हड्डी बनकर के आज कार्य कर रही है और आज हर राज्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ओर जा रहा है। इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को वैश्विक स्तर पर सम्मान तो दिलाया ही है, उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में भी स्थापित किया है। अभी यहां पर हमारे निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री नंदी जी किसी बात को कह रहे थे कि कभी केवल 17 के पहले 17-18 तक भी उत्तर प्रदेश में केवल 86,000 करोड़ रुपए का निर्यात हम कर पाते थे और इस वर्ष यह लगभग 2.25 लाख करोड़ का होने जा रहा, 2.25 लाख करोड़ का। आप मुरादाबाद में जाइए, आप अलीगढ़ में जाइए, आप भदोही में जाइए, आप वाराणसी में जाइए, आप मेरठ में चले जाइए, आप फिरोजाबाद में चले जाइए, आप कानपुर आगरा, कौन ऐसा जिला है जिससे एक्सपोर्ट न हो रहा हो? और ये आपकी पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट स्थापित हुए हैं और आपकी इस ताकत का एहसास देश और दुनिया को तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के 40 लाख